आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें बताया गया है कि यदि संकट की स्थिति में मनुष्य धैर्य और संयम से काम लेता हुआ अपनी ऊर्जा को एक ही जगह लगाता है तो उसे तत्काल कामयाबी मिलती है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, कंचनपुर गांव में धर्मा नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास जमीन के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर आए वर्ष खेती करके वह अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। यही उसकी जीविका का साधन था। एक बार फसल आती और पूरा वर्ष उसी से उनकी रोटी चलती। ऐसे ही एक बार धर्मा ने उस जमीन के टुकड़े पर फसल बोई। फसल बोने के बाद वह वर्षा का इंतजार करता रहा, लेकिन उस वर्ष वर्षा नहीं हुई। धर्मा को चिंता सताने लगी कि यदि फसल को पानी न मिला तो फसल नहीं होगी, और यदि फसल ना हुई तो उसकी और उसके परिवार की भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसी चिंता में धर्मा दिन रात व्याकुल रहने लगा। एक दिन सुबह सुबह मुंह अंधेरे वह अपने घर से अपने खेत की तरफ निकल पड़ा और खेत पर पहुंचकर उसने जमीन के कुछ हिस्से पर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर खोदने के बाद वह दूसरी जगह खोदने लगा, फिर तीसरी जगह। अशांत मन से वह ऐसा करता जा रहा था। दूर एक वृक्ष के नीचे बैठा एक महात्मा उसे ऐसा करते देख रहा था। वह महात्मा सोचने लगा, सुबह से शाम होने को आई, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, चलकर देखना चाहिए। महात्मा धर्मा के पास पहुंचा और बोला, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुम परेशान हो और जगह जगह खड्डे किए जा रहे हो, इसका क्या कारण है। धर्मा महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और अपनी परेशानी का कारण बताते हुए बोला, मेरी आय का एक ही साधन है ये जमीन का टुकड़ा। मैं इस पर आए वर्ष फसल बोता हूँ और पूरा वर्ष इसी से ही मेरा और मेरे परिवार का गुजारा होता है, परंतु इस वर्ष वर्षा न होने के कारण मैं परेशान हूँ कि फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या, इसलिए मैं खड्डा खोदकर पानी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी बात सुन महात्मा बोला, तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो और इसीलिए अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा रहे हो। महात्मा ने कहा, सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा की है, उसे मानते हो। धर्मा बोला, मैं भगवान शंकर का भगत हूँ, उनकी पूजा आराधना करता हूँ। तब महात्मा बोला कि भोलेनाथ का नाम लेकर अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके जगह जगह लगाने की बजाय एक जगह लगाओ, तुम्हें शीघ्र ही फल मिलेगा। ऐसा कहकर वह महात्मा चला गया। धर्मा ने महात्मा की कही बात पर विचार किया और भोलेनाथ का नाम लेकर वह एक ही जगह खड्डा खोदने लगा। एक जगह खड्डा खोदते खोदते पानी निकल आया। धर्मा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने पानी से अपने खेत को सींचा। भगवान भोलेनाथ और महात्मा को याद करता हुआ, धन्यवाद करता हुआ धर्मा अपने घर को गया। उस वर्ष धर्मा के खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे कि उसे काफी मुनाफा हुआ और धीरे धीरे धर्मा की आर्थिक हालत भी सुधरती गई। एक दिन फिर से धर्मा को महात्मा के दर्शन हुए। वह महात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए बोला, आपने मुझे सही दिशा दिखाई, जिससे आज मैं काफी अच्छी स्थिति में हूँ। महात्मा ने कहा, करने वाला वो परमात्मा है, लेकिन मुश्किल की घड़ी आने पर मनुष्य को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए।
यदि मनुष्य संकट में धैर्य और संयम से काम लेता हुआ अपनी ऊर्जा को एक ही जगह लगाता है तो तन और मन पर मनुष्य का सही नियंत्रण हो जाता है और फिर उस समय किया गया कार्य निश्चित ही सही फल देता है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।